जगता बाबू गलतफहमी में है, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2023 में तेजस्वी को बिहार की गद्दी सौंप देंगे और खुद केंद्र की राजनीति करेंगे। जगता बाबू धोखे में मत रहिए, नीतीश कुमार आज तक किसी भी समझौते का उन्होंने पालन नहीं किया है। तो भले ही आपका डील हुआ होगा, समझौता हुआ होगा, लेकिन धोखा देना, विश्वासघात करना, ये नीतीश कुमार के स्वभाव में शामिल हो गया है। नीतीश कुमार ने दो बार लालू को धोखा दिया, दो बार बीजेपी को धोखा दिया, एक बार जीतनराम मांझी को धोखा दिया और तीन बार बिहार के जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों में 7 बार और धोखा दिया है, चाहे नेताओं को या बिहार की जनता को, वह व्यक्ति फिर एक बार लालू यादव को धोखा देगा। और इसलिए लालू जी, अगर आप चाहते हैं बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, तो नीतीश जी का इंतजार मत कीजिए, जनता दल को तोड़ दीजिए, फिर 5 विधायकों को मिला लीजिएगा तो आपका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। स्पीकर आपका है, नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे। नीतीश जी को मालूम है कि न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, मुख्यमंत्री की गद्दी तो चली जाएगी और प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। उनको भी मालूम है कि प्रधानमंत्री कभी बन नहीं सकते। इसलिए नीतीश कुमार कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे कि बिहार की गद्दी आपको सौंप दें, भले ही समझौता हुआ होगा और वो आपको सौंप कर केंद्र में चले जाएं, ऐसी गलती नीतीश कुमार कभी नहीं करने वाले। कभी भरोसा मत कीजिएगा नीतीश कुमार पर। फिर एक बार आपके साथ जो समझौता हुआ है उसको भी वो धोखा देंगे, उसके साथ भी विश्वासघात करेंगे।